हाय फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंटरनेट हेल्प। जैसे कि मैं हमेशा अपने चैनल में अलग अलग यूनिक वीडियोस लाते रहता हूँ, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि इंटरनेट के बारे में जो जानकारी आपको प्राप्त नहीं है, वह आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपको बता सकूँ। तो हमेशा मैं ऑनलाइन रिव्यूज़, बेस्ट वेबसाइट्स की लिस्ट, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स, टॉप लिस्ट्स, इनके बारे में जानकारी देते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि मेरे वीडियोस काफ़ी यूनिक हैं और सबसे अलग हैं। आज भी मैं आपके लिए एक यूनिक और सबसे अलग वीडियो लेके आया हूँ जो आजकल यंगस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का वीडियो जो जॉब्स सर्च करते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ उन बेस्ट वेबसाइट्स की लिस्ट जहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब्स, कॉल सेंटर जॉब्स वगैरह वगैरह। मेरा आज जो बेसिकली जो मेन प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। मैं आपको जो वेबसाइट्स बताऊंगा वहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट्स, लेटेस्ट जो रिजल्ट्स निकले हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, किसी जॉब के सिलेबस के बारे में जानना है, आंसर कीज़ जो एग्ज़ाम हो गए उनका आंसर कीज़ के बारे में जानना है, तो ये सारी जानकारी आपको इन वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आज मेरा सबसे जो बेहतरीन वेबसाइट जो मुझे लगता है वो है freejobalert.com। freejobalert.com, शायद आप इस वेबसाइट को जानते भी होंगे। यहाँ पे आपको हर एक टाइप के जॉब से लेके हर एक स्टेट के जॉब्स, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो गुजरात अहमदाबाद हो, हर एक स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जैसे रेलवेज़ हो गए, एसएससी हो गए, टेट हो गया, है ना, नेट हो गया, फिर आपका डिफेंस हो गया, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। freejobalert.com। चलिए थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि अगर मेन पेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशंस, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स आपको मिलेंगे, है ना, देख लीजिए। जैसे डीआरडीओ में है ना, फिर भेल में निकला है, सेवी में निकला है, नेल्को में निकला है, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का निकला है। अगर आप इसके राइट पे जाएंगे हल्का सा, देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड्स, यानी आपने अगर कोई जॉब अप्लाई किया है उसका एडमिट कार्ड निकला है या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। ये काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि एडमिट कार्ड का हमको बहुत माथा बेची रहता है, मतलब हम लोग ढूंढते रहते हैं भाई एडमिट कार्ड कब आएगा, फ्रेंड लोगों से पूछते हैं या फिर लोकल साइबर कैफ़े में जाके उनको परेशान करते हैं। सीधा जाइए फ्री जॉब अलर्ट में, यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स भी एक बहुत अहम चीज़ है, हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं फिर रिजल्ट्स कब निकलेगा यार दोस्तों से पूछते हैं, तो रिजल्ट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। नीचे चलते हैं, स्टेट जॉब नोटिफिकेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब आपको यहाँ मिलेंगे। उसके साथ आंसर कीज़, आंसर कीज़ यानी आपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अटेंड किए हैं तो उसके आंसर कीज़, कोई अगर अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो आंसर कीज़ जनरली आजकल जो चल रहा है वो अराउंड 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के अंदर वो लोग रिलीज़ कर देते हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट में आंसर कीज़, जिससे कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम दिया है वो मिला सके कि उसने कितने करेक्ट किए हैं या कितने भूल गलती की है, और एक प्रेडिक्टेबल एक निकाल सके नंबर के भी मेरे को इतना मिलेगा। ये भी एक काफ़ी अच्छी सुविधा है आंसर कीज़, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सिलेबस, किस एग्ज़ाम का क्या क्या सिलेबस है, कितने स्टेजेस होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं, कट ऑफ प्रीवियस ईयर रहेगा कितना, या फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, सिलेबस सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। चलिए कुछ और इसमें जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या है। जैसे कि हम लोग करते हैं बैंक जॉब्स, टीचिंग, इंजीनियरिंग, रेलवेज़। अच्छा, ये जो है कैटेगरी ये आपका स्टेट वाइज है, जैसे कि ये आई थिंक एपी यानी आंध्र प्रदेश होगा,
ए एस यानी मैं देख लेता हूँ एक बार खोल के। ओके, ये असम असम गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है। फिर बी आर यानी ओके बी आर गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा, नेक्स्ट सी जी, ये छत्तीसगढ़ होगा, दिल्ली होगा, ये एच पी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा होगा, ये झारखंड होगा, ये एम एच महाराष्ट्र होगा, ये आई थिंक ये मध्य प्रदेश होगा, खोल के देखते हैं। जी एम पी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट का जो ऑफिशियल लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ्री जॉब अलर्ट, ये डिस्क्लेमर है, ध्यान से सुनिएगा, फ्री जॉब अलर्ट नाम से बहुत सारे वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, डॉट इन वगैरह या फिर जो भी हो, अलग अलग एक्सटेंशन से मिलेंगे। आपको जाना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम, ठीक है ना। ध्यान रहे, देखिए यहाँ पे इन्होंने शायद ये नोटिफिकेशन भी दिया, मैं इसको ज़रा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, डियर फ्री जॉब अलर्ट यूजर्स, ऑलवेज टाइप डॉट कॉम आफ्टर फ्री जॉब अलर्ट, बी वेयर ऑफ डुप्लीकेट वेबसाइट्स विथ फ्री जॉब अलर्ट नेम। सो आपको जानना है डॉट कॉम पे, ठीक है, फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम पे आपको विजिट करना है। चलिए एक और वेबसाइट देख लेते हैं। ओके, ये है सरकारी नौकरी डेली डॉट इन, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इंटरफेस भी काफ़ी क्लियर है और इसमें लेटेस्ट जॉब अपडेट्स रहते हैं, होते रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम रिजल्ट्स, यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स ये काफ़ी यूनिक लग रहा है, टॉप करंट अफेयर्स यानी जो करंट जी केज, जो नेशनल इंटरनेशनल जी केज है ना, उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे कि अभी टॉप करंट अफेयर्स फॉर सरकारी नौकरी प्रिपरेशन 17 मार्च, 14 मार्च 2020, 13, 12, 6, यानी ये लोग अपडेट देते रहते हैं, देख सकते हैं। ये वेबसाइट भी काफ़ी यूनिक है। और अच्छा, एक जॉब हम लोग खोल के देखते हैं क्या है इसमें, इसको खोल के देखते हैं। सो जॉब अपडेट, इनका प्रेजेंटेशन किस तरह का है। ओके, ये देखिए जॉब है, कितने इतने वर्क सुपरवाइजर इलेक्ट्रिशियन और वेरियस वैकेंसीज लगेंगे, इसका लास्ट डेट दिया हुआ है। अच्छा, नीचे तक ये देखिए, इनको इन्होंने टेबल वाइज दिया हुआ है हर एक चीज़, क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पोस्ट नेम, काफ़ी यूनिक लग रहा है ये मेरे को। देखिए पूरा इन्होंने पूरा एक टेबल बना के रखा है, ये देखिए, मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा, यहाँ पे कितने वैकेंसीज है और ये पोस्ट का नाम डेजिग्नेशन क्या है, ये देखिए एज लिमिट कितना रहेगा, है ना। फिर ये आपका शायद क्या है, ये मेरी सोच, अच्छा एप्लीकेशन फ़ीस है ये, मतलब मेल के लिए कितना फ़ीस, फीमेल के लिए कितना, है ना, एस सी ओ बी सी के लिए कितना फ़ीस लगेगा, या फिर एक्स सर्विस मैन के लिए, आप देखिए बताएं नो फीस फॉर पी डब्ल्यू डी एन एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट, नो फीस। अच्छा लग रहा है ये, काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक इस लिंक पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, स्टार्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च, ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17, ये आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी, मतलब फ़ी देने का लास्ट डेट। अच्छा, एक्सटेंडेड नोटिस, नोटिस वगैरह भी यहाँ पे देते रहते हैं, जैसे कि ये डिटेल नोटिफिकेशन लिंक, मतलब जो नो जो ऑफिशियल लिंक है जो इसका पोस्ट का, उसका भी यहाँ पे दिया होगा। ये देखिए, मतलब आपको यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, ये देखिए इनका, ये इसका ऑफिशियल जो नोटिस है वो है। फिर और क्या क्या, अच्छा अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी यहाँ पे मौजूद है, मतलब आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इसका ऑनलाइन लिंक भी आपको यहाँ मौजूद मिलेगा। ये देखिए अप्लाई ईयर, हर एक पोस्ट का अप्लाई ईयर दे दिया इन लोगों ने। सो ये भी एक काफ़ी यूनिक है वेबसाइट, सरकारी नौकरी डेली डॉट इन। सो इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए एक और जाते हैं, ये है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, इसका इंटरफेस मेरे को काफ़ी फ्री जॉब अलर्ट जैसा ही लग रहा है। ये देखिए, ये काफ़ी, ये सारे न्यू नोटिफिकेशंस है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है जी, ये जो आपका मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, लेटेस्ट जॉब्स, रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड, आंसर कीज, सिलेबस, एडमिशन, इम्पोर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अलग अलग रंग से दर्शाया है, मतलब आई अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन रहेगा तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब्स, रिजल्ट्स, यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट रिजल्ट्स, सिलेबस, एडमिशन, आंसर की, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये कोई नया कॉलम लग रहा है। अच्छा, पैन कार्ड फॉर्म, वोटर आईडी फॉर्म, आधार कार्ड,
यानी इन्होंने कुछ अलग से एक यूनिक रखा है ये सेक्शन, इम्पोर्टेंट यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म, अच्छा एमपी रोज़गार ऑनलाइन फॉर्म, यूपी बार डिक्लेरेशन ऑनलाइन फॉर्म, यूपी रेशन कार्ड, यानी ये अलग अलग सेक्शंस भी यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। ये भी काफ़ी यूनिक वेबसाइट है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए ओके, ये है इंडीड डॉट को डॉट इन। ये एक्चुअली क्या है, प्राइवेट जॉब्स के लिए ये बेस्ट है। प्राइवेट जॉब्स में आप कह लीजिए, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जॉब टाइटल मतलब कीवर्ड्स या कोई कंपनी, मतलब आप किस जॉब को तलाश रहे हैं। जैसे कि आप इंडीड डॉट को डॉट इन में जाएंगे, यहाँ आप तलाशेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर जॉब्स, कॉल सेंटर फ्रेशर। ये देखिए इन्होंने कुछ सजेशन दे दिए, ऑटो सजेशन, सिटी स्टेट और पिन, आप कहाँ पे चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे स्टेट का नाम ले सकते हैं या अपने नियर बाय सिटी का नाम। तो मैं नियर बाय सिटी, जैसे कि मेरा तो कोलकाता है, तो मैं कुछ और देता हूँ, जैसे कि इंदौर देता हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश। फाइंड जॉब्स क्लिक किया, ये देखिए। काफ़ी क्लियर इंटरफेस है इसका। बीपीओ कॉल सेंटर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, अच्छा कंपनी का नाम याद दिया हुआ है, सैलरी यहाँ पे इन्होंने देखी, ये अर्जेंटली हायरिंग, मतलब एक इन्होंने ये दिया है, नोटिफाई किया है इसको। चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो ये जो निकले रिजल्ट्स, ये इंदौर के हैं। ओके इंदौर में ये, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया, रेडियस दिया है विद इन 25 किलोमीटर्स के अंदर। सैलरी एस्टिमेट, मतलब आप सैलरी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको 20,000 के ऊपर के सैलरीज चाहिए तो आप वहाँ पे क्लिक करके आपको उन्हीं उन्हीं लिस्ट में से दिखेगा, ठीक है ना। जॉब टाइप, फुल टाइम चाहिए, फ्रेशर, पार्ट टाइम, वर्किंग, हर एक तरह का यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए चलो हम लोगों ने इसको खोला था, ये देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये जॉब का नाम, ये कंपनी का है, इंदौर, फुल टाइम, फ्रेशर, वर्किंग है, सैलरी दिया हुआ है यहाँ पे। जॉब समरी, जैसे वी नीड स्किल, टैलेंटेड, एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल्स लाइक यू। ओके रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ आपके रहेंगी, की स्किल्स क्या क्या रहेगा, की स्किल्स जैसे कि शुड बी एक्सलेंट इन इंग्लिश, ओपन फॉर रोटेशनल शिफ्ट डे एंड नाइट। क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इस जॉब में, सैलरी, क्वालिफिक एजुकेशन जो चाहिए इनको रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज है ना, बेनिफिट्स, शिफ्ट, यस एनी शिफ्ट, मतलब नाइट शिफ्ट भी होगा इसके बारे में इन्होंने बताया, मतलब वर्क डेज पर वीक है ना, ट्रेनिंग होगा क्या नहीं, कंपनी देगी या नहीं, इंडस्ट्री क्या है, कस्टमर सर्विस। यहाँ पे देखिए लास्ट में अप्लाई नाउ भी दिया हुआ है लिंक, मतलब अगर कहा जाए कि एक कैंडिडेट जो जॉब सर्च कर रहा है उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है प्राइवेट जॉब्स, तो उसके बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशनड है। वैसे तो प्राइवेट जॉब्स में और भी साइट्स हैं, जैसे कि सरकार सॉरी naukri.com, सो उसके बारे में तो हर कोई जानता है, इसलिए मैंने उसका रिव्यू यहाँ पे नहीं दिया है। फिर मॉन्स्टर है, नेक्स्ट आपका shine.com है, सो उनके बारे में मेजर हर कोई जानता है कॉमन साइट से। इंडीड के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को इसका इंटरफेस काफ़ी पसंद है। अगर आप यहाँ पे कॉल सेंटर, अगर यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट राइटर, मतलब ये काफ़ी यूनिक जॉब है, ये मिलना मतलब मुश्किल सा है। कोई कंटेंट राइटर अगर जानता है तो उसके लिए ये जॉब्स रहते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे इसका भी हर एक चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कंटेंट राइटर लीड सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में, सैलरी यहाँ पे है 1,20,000 to 3,60,000 पर ईयर। अच्छा चलिए कंटेंट राइटर हम लोगों ने देखा, कॉल सेंटर देखा, कुछ और देखते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, ये देखिए अकाउंटेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के जॉब्स मिलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड देखिए इसके भी हैं, इसके सिर्फ दो हैं, ठीक है। आप किलोमीटर्स कम या बढ़ा सकते हैं, 5 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स के रेंज में चाहते हैं, मतलब इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। वैसे आप शाइन या फिर naukri.com से भी ट्राई कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना तक ही था, मैंने आपको आज बताया सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ साइट्स और एक प्राइवेट जॉब्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी क्रिएटिव रिव्यूज़, बेस्ट वेबसाइट्स की लिस्ट, टॉप लिस्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं जब भी कोई नया अपडेट दूंगा, जब भी कोई नया रिव्यू या वीडियो लेके आऊँगा,
आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। होप आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है। मैं आगे अपने वीडियोस में और भी कुछ यूनिक और भी क्रिएटिव्स, मतलब एक इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हो, उसको भी आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।